बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की ये वीडियो ईद के हवाले से है। ईद में जैसा कि बहुत ही कम दिन रह गए हैं और सबकी ईद की तैयारियां जोश व खरोश से जारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा ईद पर वही गहमा गहमी है। लास्ट ईद जैसे हमारी लॉकडाउन में गुजरी थी, लास्ट ईद पर कोई गहमा गहमी नहीं थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस ईद पर गहमा गहमी है। हर कोई अपनी अपनी शॉपिंग में मसरूफ़ है। शहर की रौनकें, कराची शहर की रौनकें वापस आ गई हैं, लेकिन फिर भी हमें एहतियात करनी चाहिए। इतना रश में नहीं जाना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइज़र का यूज़ करना चाहिए। तो आज मैं मार्केट गई क्योंकि हमारी कुछ ईद की शॉपिंग रह गई थी। ईद की शॉपिंग लास्ट दिनों में करें तो फिर और मज़ा आता है। वैसे तो इस दफ़ा ब्रांड्स पर इतनी सारी सेल लगी कि कपड़े वगैरह तो हमने सब ब्रांड्स सेल में ले लिए थे, लेकिन चूड़ियाँ मेहंदी वो तो लास्ट पर ईद के लास्ट दिनों में लें तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो आज मैं आपको लेकर चलूँगी क्लिफ्टन के गल्फ मार्केट में। वहाँ पे देखते हैं कि चूड़ियाँ और बच्चों की फैंसी चप्पलें वो कैसे मिलती हैं, क्योंकि हमारे घर में बच्चों को फैंसी चप्पलें भी चाहिए, सबको चूड़ियाँ भी चाहिए, मेहंदी भी चाहिए। तो आज की ये वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पे बच्चों की फैंसी चप्पलें कितनी अच्छी मिल रही हैं, चूड़ियाँ कैसे मिल रही हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, इसमें मैं सारी डिटेल बताऊँगी। ये क्लिफ्टन 3 तलवार पे गल्फ शॉपिंग मॉल है। यहाँ पे आज हम बच्चों को लेकर आए हैं, बच्चों को फैंसी चप्पलें चाहिए ईद के लिए। ये खुस्से हैं, ये डायमंड वाले, और ये खुस्से बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं क्योंकि लास्ट टाइम जब हम ले लिया था तो ये हमें 600-800 में आराम से मिल गया था, लेकिन अब इसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा हो गई है। अब ये 1400-1600 से कम नहीं मिल रहा, और छोटी बच्चियों का ये खुस्सा हमें मिल रहा है कम से कम 800-900। ये छोटी गर्ल्स के लिए है, इसकी प्राइस 800-900 है, लेकिन ये थोड़ा सा बार्गेनिंग के बाद थोड़ा सा कम कर देते हैं, तकरीबन 500 कम कर देते हैं, 800 में ये दे देते हैं ये छोटी गर्ल्स के खुशे। ये खूबसूरत खूबसूरत सी चप्पलें हैं गर्ल्स की। ईद पर इस तरह की फैंसी चप्पलें बहुत अच्छी लगती हैं फैंसी ड्रेसेस के साथ। वो कहते हैं ना कि ईद तो बच्चों की होती है। बहुत ही खूबसूरत ये चप्पल है, इसकी प्राइस भी 700-800 है। ये 1000 की है, इसमें थोड़े से वो नग लगे हुए हैं तो ये 1000 की है, लेकिन आजकल बच्चों की पसंद भी बहुत मुश्किल हो गई है। उनको कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती, बच्चे कहते हैं ये नहीं लेंगे, ये लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये लेंगे। और ये यहाँ पे जो ये फ्लावर वाली चप्पलें हैं ये बहुत ही खूबसूरत हैं, तो बच्चों ने ये फ्लावर वाली चप्पलें ली हैं। ये थोड़ी सी कम प्राइस में मिल गई हैं, ये तकरीबन 600 में मिली है। यहाँ पे लेसेस और ये फैंसी बटन्स और ये सारी चीज़ें हैं जो हमें स्टिचिंग में काम आती हैं। और ये आ गई चूड़ियाँ, चूड़ियाँ भी अब काफ़ी महंगी हो गई हैं पहले के मुकाबले में। इस दफ़ा चूड़ियों का एक सेट तकरीबन 350 से लेकर 400-500 तक है।
लेकिन चूड़ियों और मेहंदी के बगैर तो ईद की शॉपिंग इनकम्प्लीट है। मार्केट में लोग तो हैं बट इतना ज़्यादा रश नहीं है। जो हैं तो उन्होंने मास्क पहने हुए हैं और एहतियात के साथ लोग इतना फासला रख रहे हैं, अभी डिस्टेंस के साथ चल रहे हैं। इतना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतना रश नहीं है, आराम से हम लोग ख़रीदारी कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप सबको मेरी तरफ़ से एडवांस में ईद मुबारक, और मेरे व्यूअर से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।